गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर न्यू फार्माकोलॉजी क्लास इन विच टुडे वी विल स्टडी अबाउट द सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। एक्चुअली सिडेटिव इज़ अ ड्रग दैट रिड्यूसेस एक्साइटमेंट एंड काम्स द पर्सन। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्साइट हुआ हुआ है तो उसके एक्साइटमेंट को ये ड्रग्स कम करती हैं और उसे शांत बनाती हैं। सिडेटिव्स की ऐसी खासियत है, जबकि हिप्नोटिक्स वो ड्रग है जो नींद, नॉर्मल नींद के जैसी कंडीशन में पर्सन को ला देती है। हिप्नोटिक इज़ अ ड्रग दैट प्रोड्यूसेस स्लीप रिजेम्बलिंग नॉर्मल स्लीप। तो सेडेटिव वो ड्रग्स हैं दैट प्रोड्यूसेस कामिंग और क्वाइटनिंग, एकदम शांत खामोश हो जाता है व्यक्ति, उसकी एक्साइटमेंट कम हो जाती है पर उसमें ड्रॉजीनेस आ जाती है। ये ड्रग पेशेंट को काम बनाती है, उसकी एंग्जाइटी को कम करती है पर उसको स्लिप नहीं लाती, उसको नींद में नहीं लेकर के जाती है। जबकि हिप्नोटिक वो ड्रग है जो उसको सुला देती है, नॉर्मल नींद के जैसी ही कंडीशन में उसे ला देगी। ये नॉर्मल स्लिप को इनिशिएट भी करती है और उसको मेंटेन रखने का काम भी करती हैं हिप्नोटिक्स। इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखें सेडेटिव हिप्नोटिक्स में, तो सेडेटिव ड्रग ने एक्साइटमेंट को कम किया, पेशेंट को काम किया पर वो नींद में नहीं लेकर जाती, जबकि ये नींद में लेकर के जाती है, नेचुरल नींद के जैसी ही नींद को ले आती है। सेडेटिव्स में थेरापेटिक डोज जो है वो एंग्जियोलाइटिक एजेंट का काम कर रही हैं, एंग्जाइटी को ख़त्म कर रही हैं, जबकि ये स्लिप को शुरू करने और उसको मेंटेन करने का काम करती हैं हिप्नोटिक्स। अधिकतर जो सेडेटिव्स होती हैं उनके लार्जर डोज में ये हिप्नोसिस का भी, अगर सेडेटिव्स की डोज लार्ज दे दो तो वो नींद को लाने का काम करती है, ट्रांस के जैसी स्टेट ले आती है जिसमें सब्जेक्ट जो है वो पैसिव और हाईली सजेसिबल बन जाता है और नींद की तरह एक्ट करने लगता है। हिप्नोटिक्स की हायर डोज जो है वो जनरल एनेस्थीसिया का काम करती है। साइट ऑफ एक्शन जो है वो लिम्बिक सिस्टम के ऊपर सेडेटिव्स एक्ट करती हैं, जिससे कि थॉट और मेंटल फंक्शन प्रभावित होता है या रेगुलेट हो रहा होता है उस लिम्बिक सिस्टम पर ये एक्ट करती है। जबकि हिप्नोटिक जो है वो मिड ब्रेन पे और असेंडिंग आरियस के ऊपर एक्ट करती है, तो वेकफुलनेस को मेंटेन करने के काम में आ रही होती है। ये वो जगह जहाँ पर ये, मतलब जो आपको जागृत अवस्था में बनाई होती है जो जगह, उसको ये उस जगह पर ये ड्रग एक्ट करती है। स्लिप के आप स्टेजेस देखें तो स्टेज 1-5%, स्टेज 2 जिसमें नॉन आरईएम की कंडीशन होती है उसमें 67-75% तक पर्सन सो जाता है, स्टेज 3 एंड 4 के अंदर गहरी नींद जो 15-25% में, और फिर जो बाद में आरईएम स्लिप 25-33% की कंडीशन आती है। तो ये चार स्टेजेस के अंदर हमारी नींद जो है वो चल रही होती है। अब सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखिए, फर्स्ट है बेंजोडाइजापाम ड्रग, दूसरी बारबिट्यूरेट, तीसरी जो है वो मिसिलिनियस एजेंट्स हैं जिसके अंदर एंग्जियोलाइटिक और हिप्नोटिक्स आ रही होती हैं, और चौथी न्यूअर नॉन बेंजोडाइजापाम ड्रग्स आ रही होती हैं। तो नॉन बेंजोडाइजापाम और मिसिलिनियस, तो ये चार कैटेगरी है, बेंजोडाइजापाम, बारबिट्यूरेट्स, नॉन बेंजोडाइजापाम, हिप्नोटिक्स और मिसिलिनियस। बेंजोडाइजापाम के अंदर शॉर्ट एक्शन, इंटरमीडिएट एक्शन और लॉन्ग एक्शन की ड्रग्स आती हैं, जैसे डाइजापाम, ऑक्सेजापाम, लोराजेपाम, फ्लोराजेपाम, नाइट्राजेपाम, क्लोराजेपाम, डायाजिपॉक्साइड, टेमाजेपाम, मिडाजोलाम और एल्प्राजोलाम। दूसरी बारबिट्यूरेट्स जो हैं उसके अंदर भी लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स आ रही होती हैं। लॉन्ग एक्टिंग में फिनाबारबिटोन आती है, शॉर्ट में पेंटोबारबिटोन आती है, अल्ट्रा शॉर्ट के अंदर थायोपेंटोन ड्रग आती है। इसके बाद नॉन बेंजोडाइजापिन हिप्नोटिक्स के अंदर जोलपिडेम, जोपिक्लोम और एसजोपिक्लोन ड्रग आती है। लास्ट मिसिलिनियस एजेंट के अंदर एंग्जियोलाइटिक और हिप्नोटिक्स आती है, एंग्जियोलाइटिक के अंदर बस पायरोन और एंटी डिप्रेसेंट्स आती है, जबकि हिप्नोटिक्स में अंदर जेड ड्रग्स, एंटी हिस्टामिनिक्स और डॉक्सिपिन नाम की ड्रग आ रही होती हैं।
या फिर अपन सिंपल वर्ड्स में बोलें तो क्लोरल हाइड्रेट, प्रोमेथाजन, न्यूरोलैप्टिक्स और ओपियोइड्स जैसी ड्रग्स इसके अंदर आती हैं। तो ये तो है क्लासिफिकेशन सिडेटिव और हिप्नोटिक्स का। अब इसमें सबसे पहली ड्रग है बेंजोडाइजापिन, BDZ, जो अभी हम अपन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा बेंजोडाइजापिन का, क्योंकि ये एंग्जाइटी वगैरह सबके अंदर अपन इसको पढ़ेंगे। आगे भी जितने टॉपिक्स आ रहे हैं उसके अंदर BDZ का जो है वो बहुत ज़्यादा, या BZD का जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो अब यहाँ पर इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, वहाँ पर अपन सिर्फ इसको थोड़ा बहुत ही पढ़ेंगे। देखिए इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग, क्योंकि अपन ने इसकी अलग अलग एक्टिंग पढ़ी ना, तो शॉर्ट एक्टिंग 3 से 5 घंटे एक्ट करती है, जिसके अंदर ट्रायाजोलाम आती है। इंटरमीडिएट 6 से 24 घंटे के लिए काम करती है, जिसमें एल्प्राजोलाम, लोराजेपाम, एस्टाजोलाम, ऑक्साजेपाम और टेमाजेपाम नाम की ड्रग्स आती हैं। लॉन्ग एक्टिंग 24 से 72 घंटे तक अपना असर दिखाती है, जिसके अंदर क्लोराजेपैट, क्लोराडाइजेप ऑक्साइड आती है, डाइजापाम, फ्लोराजेपाम, कुआजेपाम, पैराजेपाम और नाइट्राजेपाम ड्रग्स आती हैं। बेंजोडाइजापिन के अंदर अपन अब अगर ड्रग्स पढ़ें तो क्लोरडाइजापॉक्साइड और डायाजेपैम जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई ड्रग थी 1960 में। एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स ये होती है। इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में ये सेडेशन हिप्नोसिस का भी करती हैं काम, एंग्जाइटी को भी कम करती हैं, एनेस्थेटिक के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है, मसल रिलैक्सेशन का भी ये काम कर रही होती हैं। एंटी कन्वर्जन इफेक्ट, तो अपन एंटी कन्वर्जन के अंदर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में भी ये आपको मैं पढ़ाऊंगी, आप ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि ये दौरों को कम करने का काम भी करती हैं। एमनेशिया में भी इसका यूज़ होता है। दूसरे एक्शन के अंदर ये नॉक्टर्नल गैस्ट्रिक सीक्रीशन को कम करती है, रात के समय जो गैस्ट्रिक सीक्रीशन हो रहा होता है, और स्ट्रेस अल्सर किसी पर्सन के पेट में अगर हो जाते हैं तो उसको रोकने का काम भी ये बेंजोडाइजापाइन जो है वो कर रही होती है। एक्चुअली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर मैं बताऊं तो ये BZDs जो हैं वो गाबा का इनहिबिटरी इफेक्ट दिखा रही होती है, और सिनस डिप्रेशन का काम ये करती हैं। गाबा अपन रिसेप्टर्स पढ़े थे ना, गाबा रिसेप्टर्स, उसमें इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाती है और सिनस को डिप्रेस करने का काम ये कर रही होती हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड के ऊपर ये एक्ट करती है। इनहिबिटरी प्रिंसिपल इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ये CNS का, गाबा रिसेप्टर पर एक्ट करती है। BZD बाइंड होती है गाबा के ऊपर और उसमें क्लोराइड चैनल ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी को ये बढ़ा देती है, जिससे कि क्लोराइड फ्लो बढ़ जाता है न्यूरॉन्स के अंदर और हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल जो है उसका प्रोपागेशन रुक जाएगा, और ये ब्रेन के अलग अलग साइट्स पर भी इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाती है, स्पेशली हमारे मोटर कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम के ऊपर। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ये कम्प्लीटली हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। IM एब्जॉर्प्शन इसका थोड़ा धीरे होता है, इसलिए ओरल रूट इसका सबसे बेस्ट माना जाता है। ये प्लाज्मा प्रोटीन से एक्सटेंसिवली बाइंड होकर के लीवर में मेटाबोलाइज होती है और किडनी के थ्रू ये एक्सक्रीट हो जाती है। इसके अलावा इसका एडवर्स इफेक्ट एटेक्सिया, जिसमें मोटर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाता है, इससे हैंगओवर की कंडीशन भी आ जाती है, जैसी आपने देखी हुई है कई बार, हैंगओवर देखा है, सुना है, शायद महसूस भी किया आप लोगों ने, हैंगओवर जिसमें स्लिप टेंडेंसी आ जाती है, ड्रॉजीनेस, नींद आ रही होती है, कन्फ्यूजन रहने लगता है, स्पेशली लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स के अंदर ऐसा ज़्यादा होता है। इसके अलावा टॉलरेंस भी बढ़ जाती है, पर्सन आदि हो जाता है इसका। फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, फिजिकली भी इस पर डिपेंडेंट हो जाता है, साइकोलॉजिकली दिमागी तौर पे भी उसको लगने लगता है कि अगर मैं ये दवाई छोड़ दूंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा, इसको अपन डिपेंडेंस कहते हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। विड्रॉल सिम्टम्स, अगर आप इस दवाई को अचानक छुड़वा दोगे पर्सन के अंदर तो उसके अंदर रिबाउंड इनसोम्निया, रात को उसको नींद नहीं आएगी, उसको भूख नहीं लगेगी, एंग्जाइटी उसके अंदर होने लगेगी, सिर उसका घूमने लगेगा, ट्रिमर्स और कन्वल्जन्स, मिर्गी और दौरे उसको पड़ने लग जाएंगे। ड्रग इंटरैक्शन, ये दूसरे CNS डिप्रेसेंट के साथ में मिलकर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखाता है, मतलब काफ़ी बढ़ा हुआ इफेक्ट इसका दिखाई देगा। यह एंजाइम मॉड्यूलेटर्स का काम भी करता है, रिफाम्पिसिन और साइमेटिडिन के साथ में।
रिफाम्पेसन की हाफ लाइफ को ये कम कर देता है, जबकि सिमेटिडिन की हाफ लाइफ को ये बढ़ा देता है। इसके अलावा ये स्किन रैशेस कॉज कर देता है। टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट, यानी अगर प्रेगनेंसी में ये दवाई आप देते हो तो ये फीटल ग्रोथ जो है उसको सही होने नहीं देता, प्रॉपर फीटल डेवलपमेंट ये होने नहीं देती है, इसलिए प्रेगनेंसी में दवाई नहीं दी जाती। अब इसके बाद इंडिविजुअल दवाइयाँ स्टार्ट हो रही है। इंडिविजुअल दवाइयाँ स्टार्ट मैं करवाऊँ उससे पहले मैं आपको वापस से फार्माकोलॉजिकल एक्शन एक बार बता देती हूँ कि ये सेडेशन और हिप्नोसिस कॉज कर रही होती है। वाइड थेरापेटिक इसका इंडेक्स होता है, लगभग नींद के जैसी स्टेट ले आती है, बहुत कम इसका हैंगओवर इफेक्ट देखने को मिलता है, मिनिमल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ये कॉज करती है, टॉलरेंस और डिपेंडेंस भी ये काफ़ी कम ही कर रही होती है। फ्लुमाजेनल जो अभी अपन ड्रग इसमें आगे पढ़ेंगे उसके साथ कुछ कंडीशंस जुड़ी हुई है, उसके अलावा नॉर्मल ये ऐसी कंडीशन दिखाती है। एंटी कन्वल्सेंट के रूप में डाइजापाम, आयरोजेपाम, क्लोनाजेपाम, क्लोबाजाम जो ड्रग्स हैं वो एंटी कन्वल्सेंट इफ़ेक्ट दिखाती हैं। थोड़ा बहुत अगर इसका इंट्रावेनस डाइजापाम वगैरह, आयरोजेपाम अगर अपन यूज़ करते हैं तो ये लाइफ सेटिंग सीजर को कंट्रोल करने के काम में आती है। स्टेटस एपिलेप्टिकस में, टिटनस में, ड्रग इंड्यूस्ड कन्वल्सेंस के अंदर और फेब्राइल कन्वल्सेंस के अंदर। एब्सेंस सीजर में ट्रीट करने के लिए अपन क्लोनाजेपाम नाम के ड्रग देते हैं। डायग्नोस्टिक में भी ये काम में आ रही होती है, जैसे एंडोस्कोपी अगर किसी ये करनी है, माइनर ऑपरेटिव प्रोसीजर कुछ करना है तो ये दवाई दी जाती है। इंट्राविनस बीजेडी अपन देते हैं। सिडेटिव, एमनेसिक, एनाल्जिसिक के रूप में मसल रिलैक्सन प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको अपन देते हैं। इसके अलावा कॉन्शियस सिडेशन के अंदर ये काम में आती है। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के रूप में भी ये काम में आ रही है। सिडेटिव एमनेसिक इसका इफेक्ट होता है, इस वजह से एंग्जियोलाइटिक इसका इफेक्ट होता है, इसलिए ताकि उस पर्सन को पेरी ऑपरेटिव इवेंट्स याद ना रहें, इसलिए ऐसी दवाई दी जा रही होती है। इंट्रावीनस अपन ये दवाइयाँ दे सकते हैं दूसरे सीनस डिप्रेसेंट के साथ में मिला करके, ताकि जनरल एनेस्थीसिया का के रूप में भी इसको काम में ले सकें। एंटी एंग्जाइटी इफेक्ट में कुछ बीजेडी जो हैं वो सेलेक्टिव एंटी एंग्जाइटी एक्शन लो डोज पे दिखाती है, जैसे डाइजापाम, ऑक्सीजेपाम, लोराजेपाम, एलाप्राजोलाम और क्लोरीडायाजीपॉक्साइड वगैरह। मसल रिलैक्सन के रूप में सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स हैं, ये स्केटल मसल टोन को कम करती है, स्पाइनल इंजरी में काम आती है, टिटनस के अंदर स्पाजम को ये कम करती है, जॉइंट इंजरी की वजह से होने वाले स्पाजम को ये कम करती है, या स्प्रेन में स्पाजम को ये कम करती है। इसके अलावा अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम को ट्रीट करने के लिए भी डाइजापाम और क्लोरीडायाजीपॉक्साइड को अपन काम में लेते हैं। लॉन्ग एक्टिंग बीजेडीज हैं, ये काम में ली जाती है। अब अपन इंडिविजुअल ड्रग्स जो है अभी इस समय पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली है फ्लुमाजेनिल नाम की ड्रग। फ्लुमाजेनिल जो है इसको अपन बेंजोडाइजापेन एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। ये कॉम्पिटिटिवली रिवर्स कर देती है बेंजोडाइजापेन के इफेक्ट को, इसलिए इसको अपन एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। इसको आईवी रूट से आप दे सकते हो। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है इसका। बीजेडी की ओवरडोज अगर किसी के अंदर हो गई तो उसके ट्रीटमेंट के लिए अपन काम में लेते हैं। तो सिलेक्टिवली कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है बीजेडी का। ये बेंजोडाइजापाइन के एक्शन को ब्लॉक कर देती है, जो दूसरे सेडेटिव या हिप्नोटिक्स जैसे वगैरह के साथ नहीं हो पाता है। ये साइकोमोटर को ब्लॉक कर देती है, कॉग्निटिव और मेमोरी इम्पेयरमेंट जो बीजेस के वजह से हो रहा है उसको भी ये ब्लॉक कर देती है। एडवर्स इफेक्ट सुन लीजिए इस फ्लुमाजेनिल के, कि कन्फ्यूजन, डिजीनेस और नोजिया रहने लगता है। ये विड्रॉल सिम्टम को प्रेसिपिटेट कर देती है, जैसे एंग्जाइटी और कन्वल्जन के डिपेंडेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। दूसरी ड्रग आ रही है बारबिट्यूरेट्स, ये नॉन सेलेक्टिव सीएनएस डिप्रेसेंट है। बारबिट्यूरेट्स गाबार्जिक इनहिबिशन कर रही होती है और सीएनएस डिप्रेशन कॉज करती है। क्लासिफिकेशन देखिए आप, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और अल्ट्रासाउंड एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग 6 से 12 घंटे तक, शॉर्ट 3 घंटे से भी कम, इंटरमीडिएट 3 से 6 घंटे तक और अल्ट्रासाउंड 15 से 20 मिनट तक इसका असर होता है। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर कुछ ड्रग्स आ रही है जैसे कि मिफोबार्बिटोन और फिनोबार्बिटोन। दूसरी इंटरमीडिएट के अंदर है एमोबार्बिटोन, एम्प्रोबार्बिटोन,
और ब्यूटोबार्बिटॉन ड्रग्स आती है। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर हेक्सोबार्बिटॉन, पेंटोबार्बिटॉन और सिकोबार्बिटॉन। अल्ट्रासाउंड में थियोफेंटॉन और मीथोहेक्सीटोन नाम की ड्रग्स आ रही होती हैं। अब जो बारबिट्यूरेट्स मैंने आपको स्टार्ट करवाया है उसके अंदर देखिए, सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है, और फार्माकोलॉजिकल एक्शन और उसके यूजेस, ये सिडेशन हिप्नोसिस के काम आता है जनरल एनेस्थीसिया और एंटी कन्वल्जेंट के रूप में। सिडेशन हिप्नोसिस, जनरल एनेस्थीसिया और एंटी कन्वल्जेंस के, एंटी कन्वल्जेंट के रूप में अपन इसको काम में ले सकते हैं। सबसे पहले जनरल डिप्रेसेंट जो है, सभी एक्साइटेबल सेल्स के लिए जनरल डिप्रेसेंट का काम करती है। CNS मोस्ट सेंसिटिव है, जहाँ पर इसका असर हो रहा होता है ऑलमोस्ट ग्लोबल इसका इफेक्ट है मोस्ट, बट सर्टेन एरियाज जो हैं वो मोर ससेप्टेबल होते हैं इस ड्रग के लिए। CNS के अंदर प्रोड्यूस डोज डिपेंडेंट इफेक्ट भी ये CNS में प्रोड्यूस करता है। हिप्नोटिक्स डोज शॉर्टन द टाइम टेकन टू फॉल एस्लेप एंड इंक्रीज ड्यूरेशन, जल्दी उसको नींद आ जाएगी और लंबे समय तक नींद आएगी। सेडेटिव डोज जो है डे टाइम में इसको दे सकते हो तो ड्रॉजीनेस प्रोड्यूस करती है, रिडक्शन एंगजाइटी को रिड्यूस करती है, एक्साइटेबिलिटी को रिड्यूस करती है। एनाल्जेसिक इफेक्ट इसका होता नहीं है। हाइपर एल्जीसिया इसका ये कॉज कर देती है, इस वजह से एनाल्जेसिक इफेक्ट नहीं दिखाती और ये एंटी कन्वल्जन प्रॉपर्टी अपनी रखती है। अदर सिम्टम्स हैं रेस्पिरेटरी, हायर डोज पे रेस्पिरेशन का डिप्रेशन कर देती है, CVS भी थोड़ा कम हो जाता है, BP उसकी कम हो जाती है, हार्ट रेट कम हो जाती है। स्केलेटल मसल में हिप्नोटिक डोज जो है वो लिटिल इफेक्ट दिखाती है, पर एनेस्थेटिक डोज जो है वो रिड्यूस कर देती है मसल कॉन्ट्रैक्शन को NMJ के ऊपर, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के ऊपर ये अपना एक्शन दिखाती है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन को ये कम कर देती है। स्मूथ मसल्स में टोन और मोटिलिटी जो बॉवल की है वो डिक्रीज हो जाती है हिप्नोटिक डोज में। किडनी में ये यूरिन फ्लो को रिड्यूस कर देती है। बस अब इससे पहले थोड़ा सा वापस जो मैंने पॉइंट बोले कि भाई सेडेशन हिप्नोसिस जो ये इनसोम्निया को ट्रीट करने के लिए बारबिट्यूरेट को अपन काम में ले रहे होते हैं, पर आजकल इसको अपन यूज़ नहीं करते क्योंकि इसका लो थेरापेटिक इंडेक्स है। मार्क्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर रही है, मार्क्ड हैंगओवर इफेक्ट दिखाती है ये, हाई डिग्री की टॉलरेंस और ड्रग डिपेंडेंस इसकी वजह से हो जाती है और स्पेसिफिक एंटीडॉट इसका नहीं है, इसलिए आजकल अपन बारबिट्यूरेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं इनसोम्निया के लिए। जनरल एनेस्थीसिया में अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिट्यूरेट जैसे थायोपेंटोन का यूज़ करते हैं जीए के रूप, जीए को इंडक्शन, जीए इंडक्शन के लिए यानी जनरल एनेस्थीसिया को इंड्यूस करने के लिए। एंटी कन्वल्जेंट के रूप में फिनोबारबिटॉन जो है उसका एंटी कन्वल्जेंट इफेक्ट है। स्टेटस एपिलेप्टिकस और जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर GTCS को, जिसको अपन ग्रैंड माल एपिलेप्सी भी कहते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए भी अपन इसको काम में ले रहे होते हैं। अब इसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन वगैरह हो गए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह से ये वर्क कर रही है यहाँ पर दिखाई गई है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप देख लीजिएगा, आप ये नहीं भी लिख रहे होते तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आप नहीं भी इसका लिख रहे हैं तो। बाकी आप पढ़ लीजिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, प्राइमरी गाबा के ऊपर एक्ट हो रही है, पर BJDED रिसेप्टर जो अल्फा एंड गामा है उस पर ये बाइंड नहीं होती है। दूसरी साइट अल्फा और बीटा पर भी ये बाइंड होती है सेम मैक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स के साथ में, और गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन ये एग्जर्ट करती है, दिखाती है अपना, क्योंकि केवल इन सब यूनिट्स पर है इसलिए ये अपना सफिशेंट रिस्पॉन्स जो है वो दिखा देती है, कोई खास प्रॉब्लम आती नहीं है। BJDED की बाइंडिंग को ये एनहांस करती है उनके रिसेप्टर्स के साथ में। बस इसके अलावा ये ग्लूटामेट को डिप्रेस करती है, न्यूरोनल डिपोलराइजेशन को ये इंड्यूस कर देती है AMPA रिसेप्टर के द्वारा। हायर कंसंट्रेशन में बारबिट्यूरेट्स जो है वो वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम पोटेशियम चैनल को डिप्रेस कर देती है। डोज डिपेंडेंट इफेक्ट इसका मल्टीपल न्यूरोनल टारगेट के ऊपर दिखाई दे रहा होता है किसी भी तरह के सीनस डिप्रेशन में। फार्माकोकाइनेटिक्स देखिए, ये GI ट्रैक्ट में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होती है और बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती है। रेट ऑफ एंट्री CNS में डिपेंड करती है इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी पर, जितनी ज़्यादा सॉल्युबल होगी उतनी तेज़ी से ये एंटर कर जाएगी, जितनी ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होगी, जितनी कम सॉल्युबल है उतनी धीमे ये एंटर होती है। हाईली लिपिड सॉल्युबल बारबिट्यूरेट्स जैसे थायोपेंटोन वगैरह ये इसी वजह से इनका फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल है तो तेज़ी से अपना एक्शन दिखाएंगी। ये लीवर में मेटाबोलाइज हो जाती है, डी एल्काइलेशन और कॉन्जुगेशन इसका होता है, यूरिन में ये एक्सक्रीट होती है। इसका यूज़ फिनोबारबिटॉन के अलावा
एपिलेप्सी में, एक्सेप्ट फॉर फिनोबार्बिटॉन इन एपिलेप्सी, एपिलेप्सी में तो फिनोबार्बिटॉन, इसके बाद थायोपेंटॉन एनेस्थीसिया में काम में लेते हैं, और कोई बाई बार्बिट्यूरेट इस तरह से अपन यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओकेजनली एडजुवेंट के रूप में ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर किसी को हुआ हो तो किसी दवाई के साथ एडजुवेंट के रूप में अपन इसको दे सकते हैं। इसके अलावा हिप्नोटिक और एंजियोलाइटिक इफेक्ट ये अपना दिखाती है, सुपरसेटेड बीजेडीज के द्वारा ये ऐसा इफेक्ट दिखा रही होती है। एडवर्स इफेक्ट में हैंगओवर हो जाता है, पर्सन को टॉलरेंस और डिपेंडेंस हो जाता है, अगर वो डोज लगातार ले रहा है तो वो डिपेंडेंस हो जाएगा, आदि हो जाएगा, उसमें मेंटल कंफ्यूजन रहने लगेगा, परफॉर्मेंस उसकी सही नहीं चलेगी, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स उसमें कॉमनली देखने लगते हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न हो रहा है भाई, परफॉर्मेंस इम्पेयर्ड हो रही है, तो फिर ढंग से गाड़ी नहीं चला पा रहे होते हो तो ट्रैफिक एक्सीडेंट ऐसे लोगों में कॉमन हो जाता है। इडियोसिनक्रेसी इन लोगों के अंदर देखने को मिल रही होती है। इडियोसिनक्रेसी के अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ये दिखा देते हैं, यानी एलर्जिक रिएक्शन भी इनकी वजह से हो रही होती है। एलर्जिक रिएक्शंस के अलावा ये विड्रॉल सिम्टम्स, क्योंकि अपन बोल रहे हैं कि भाई पर्सन इसका आदि हो जाता है, तो आदि हो जाने की वजह से अगर अपन इस दवाई को एकदम से उस पर्सन से छुड़वा देंगे तो वो पर्सन जो है वो अजीब तरह का बिहेवियर करने लग जाता है, जिसको अपन विड्रॉल सिम्टम्स कह रहे होते हैं, दवाई को छुड़वा देने की वजह से जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे होते हैं, जैसे कि पर्सन के अंदर एक्साइटमेंट आ जाएगा, हेल्यूसिनेशन में चला जाता है, डेलीरियम, ये सारे के सारे दिमागी प्रॉब्लम्स हैं, एक जैसी सी लगभग दिखाई दे रही होती हैं, पर थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क होता है, इसलिए इसको अलग अलग नाम जो हैं वो दिए गए हैं। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा होता है, डेलीरियम, कन्वल्जन्स, डेथ वगैरह भी पर्सन की जो है वो कॉज हो जाती है। इसके अलावा इसके अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा है, हम जो पढ़ रहे हैं, एक्यूट बारबिट्यूरेट की अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आएगी, मोर सुसाइडल और कई बार एक्सीडेंटल बारबिट्यूरेट की पॉइजनिंग हो जाती है, या पॉइजनिंग के रूप में, सुसाइडल पॉइजनिंग के रूप में भी इसको काम में ले रहे होते हैं, जिसके सिम्टम में ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, भाई सांस पर्सन को आएगी नहीं, रेस्पिरेशन उसका प्रॉपर चलेगा ही नहीं, तो ऑब्वियस है ये सुसाइड जैसे और एक्सीडेंटल जैसे केसेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ब्रीदिंग या तो बहुत स्लो हो जाती है और केवल सतही ब्रीदिंग हो रही है, बीपी कम हो जाती है, स्किन इरप्शन हो जाता है ज़्यादा ले लेने की वजह से, शॉक में चला जाता है यानी कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो जाता है और किडनी उसकी फेल हो जाती है। डोज डिपेंड कर रहा है इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी को, कितनी ज़्यादा सॉल्युबल ड्रग है, 2 से 3 ग्राम, ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल के लिए अपन 2 से 3 ग्राम देंगे, और अगर कम सॉल्युबिलिटी है तो 5 से 10 ग्राम की डोज अपन दे सकते हैं। ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक एंटीडोट इसका है नहीं, अगर बारबिट्यूरेट की पॉइजनिंग हो जाए तो गैस्ट्रिक लेवेज करवा सकते हैं, अगर आप एक्टिवेटेड चारकोल दो तो, क्योंकि चारकोल इसको एब्जॉर्ब करके हटा देता है, किलेटिंग इफेक्ट ये दिखा रहा होता है चारकोल इसके साथ में, तो बारबिट्यूरेट का फर्दर एब्जॉर्प्शन कर लेगा। जनरल सपोर्टिव मेजर्स में अपन बीपी को मेंटेन रखने की कोशिश करनी है, वेंटिलेशन उसको प्रोवाइड करना है पर्सन को, ब्लड वॉल्यूम मेंटेनेंस करना है आईवी फ्लूड के द्वारा, ऑक्सीजन उसको देते रहना है, फोर्स्ड एल्कलाइन डायूरेसिस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में आप दे सकते हो, 1 मिली इक्विलिब्रियम पर केजी के हिसाब से आईवी उसको देना है, मैनिटॉल के साथ भी दे सकते हो, बिना मैनिटॉल के भी दे सकते हो। इसके अलावा हीमोडायलिसिस कर सकते हो जिनके अंदर रीनल फेलियर हो रहा है उन लोगों के अंदर। इसके अलावा बीजेडी क्यों बारबिट्यूरेट के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा माना जा रहा होता है, क्योंकि पहला सिलेक्टिव ये मिनिमम रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन करता है, ज़्यादा नुकसान ये नहीं पहुंचा रहा है रेस्पिरेशन में भी और कार्डियोवैस्कुलर में भी। दूसरा हाई थेरापेटिक इंडेक्स होता है बेंजोडाइजापिन का। तीसरा कोई एंजाइम इंड्यूसर ये होता नहीं है कि इंड्यूस नहीं करता किसी एंजाइम को, डिपेंडेंस भी इसकी कम है, विड्रॉल सिम्टम भी कम दिखाई देते हैं, और स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट उस बीजेडी के लिए हमारे पास मौजूद हैं। अब नॉन बेंजोडाइजापिन हिप्नोटिक्स अपन पढ़ रहे हैं।
नॉन बेंजोडाइजापिन में जॉलपिडेम, जोपीक्लोन और एसजोपीक्लोन नाम की दवाइयाँ आ रही होती हैं। दिस लेटली डेवलप्ड ग्रुप ऑफ हिप्नोटिक्स, अभी अपन ने काफ़ी लेट ही इसका डेवलपमेंट किया है। केमिकली ये बीजेडी से अलग होते हैं पर एगोनिस्ट की तरह एक्ट करते हैं बीजेडी रिसेप्टर के ऊपर। न्यूअर ड्रग्स जो हैं वो सिमिलर एफिकेसी रखती है बीजेडी के इंसोमनिया को ट्रीट करने के लिए, पर मिनिमम डे आफ्टर ड्रोजिनेट एंड लेस एमनेशिया और ड्रोजिनेस के मिनिमम डेज के अंदर ये दी जाती हैं। शॉर्टर ड्यूरेशन का एक्शन इसका होता है, बीजेडी के कंपैरिजन ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं इंसोमनिया का ट्रीटमेंट के लिए। इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताई जोपीक्लोन आ रही है, जिसको अपन जोपीक्लोन ड्रग जो है फर्स्ट नॉन बीजेडी हिप्नोटिक्स है जो कि एगोनिस्ट की तरह काम कर रही है, हिप्नोटिक एक्शन दिखाने के लिए बीजेडी रिसेप्टर के ऊपर एक्ट कर रही है। शॉर्ट टर्म इंसोमनिया में ये दी जाती है 2 हफ्ते से कम का हो तो। साइड इफ़ेक्ट इसमें क्या हो रहा है कि ये मेटेलिक और बिटर टेस्ट की होती है तो लेने में अच्छी नहीं लग रही होती है। जजमेंट को ये इम्पेयर कर दिया, आप चीज़ों को जज नहीं कर पाते हो, सही गलत का अंदाज़ा नहीं लगाते हो अगर ये ड्रग्स आप ज़्यादा ले लेते हो। अलर्टनेस आपके अंदर नहीं रह पाती है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस रहने लगती है, मुंह सूखने लगता है और माइल्ड डिपेंडेंस भी इसकी वजह से हो जाती है। दूसरी है पैराल्डिहाइड, मिसेलिनियस के अंदर आ रही है पैराल्डिहाइड। ये कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, पंजेंट, इन्फ्लेमेबल लिक्विड होता है, रंगहीन है, पारदर्शी है, काफ़ी तीखी इसकी ऑर्डर है और इन्फ्लेमेबल लिक्विड है ये, जलने वाला, इरिटेंट है, प्लास्टिक के साथ कैन डिजॉल्व, प्लास्टिक को भी ये डिजॉल्व कर सकता है बट कैन नॉट बी गिवन बाय अ प्लास्टिक सिरिंज, इसीलिए अपन इसको प्लास्टिक सिरिंज से नहीं देते हैं। इसकी एंटी कन्वल्जन प्रॉपर्टीज़ होती है, इसको आप रेक्टम से, आईएम और ओरल रूट से दे सकते हो। कन्वल्जेंट के रूप में स्टेटस एपिलेप्टिक्स में दी जाती है बच्चों के अंदर स्पेशली, और हिप्नोटिक हालांकि इसका रेयरली ये दिखा रही होती है। दूसरी आती है मेलाटोनिन, ये हार्मोन है जो कि पिनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, ये नींद को रेगुलेट कर रहा होता है। मेलाटोनिन जो है मेलाटोनिन रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है, सीनस को डिप्रेस नहीं करता है पर नींद की क्वालिटी को ये बढ़ा देता है और हेल्प्स इन विदड्रॉइंग बीजेडी आफ्टर लॉन्ग टर्म यूज़। अगर आप बेंजोडाइजापिन का बहुत लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं तो उसको छुड़ाने के लिए काफ़ी अच्छी ड्रग मान जाते हैं मेलाटोनिन। दूसरी है रेमल्टियोन, ये मेलाटोनिन रिसेप्टर का एगोनिस्ट है, नई हिप्नोटिक ड्रग है ये। स्लिप को कोई मॉडिफाई, नींद में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करती है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका काफ़ी लंबा है पर डिजीनेस और फटिग इसके साइड इफ़ेक्ट्स या इसके एडवर्स इफेक्ट में अपन पढ़ते हैं। इसके बाद आपका ये सिडेटिव हिप्नोटिक्स नाम का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू क्लास।